पहला टेक ऑफ का जो उंगली है वो अम्मा से लगवा रहा हूँ, क्योंकि अम्मा छत पे नहीं जा सकती ना। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई हो गई अपने दिन की शुरुआत बढ़िया, एंड आज है मंडे जो कि हमेशा से होता है लेजी, बट आज मैं लेजी फील नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, एंड अभी आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मेरा मतलब 3-4 महीने से वो सरप्राइज कहीं पे अटका हुआ था, तो वो अब फाइनली आ चुका है। तो जब तक मैं लेके आता हूँ तब तक आप कमेंट सेक्शन में गेस कर लो कि क्या है। फिलहाल जो है अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड जाने के लिए एकदम मस्त, बाइक उठा लिया तो बाइक से चलते हैं, फटाक से लेके आते हैं, एंड जो है आपको फिर सरप्राइज रिवील करेंगे। आगे घर पे वापस, एंड जो है मेरे पास मेरा सरप्राइज बैग आ चुका है। अब इस बैग में क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ क्या नाम है वो अनबॉक्सिंग वाली जगह पे, तो हाँ तो चलते हैं। ट्राइपॉड उठा लिया है, एंड यार आज हमारे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा वुडन वर्क हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आ गए अनबॉक्सिंग वाले कमरे में। तो हाँ जी, तो ये बैग है और इस बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, DJI। तो भाई ये जो है इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया था नवंबर में, और प्लानिंग ये थी कि दिसंबर में ये यहाँ पे आ जाएगा, बट कुछ रीज़न की वजह से वो यहाँ पे आ नहीं पाया। तो अब जाके फेब में जो है मेरे हाथ में मेरी ये चीज़ आई है, एंड यार अब देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। ये बैग खोल के ही जो मुझे मज़ा आ रहा है ना। तो हमारा आ चुका है नया ड्रोन। सो गाइस मैंने मंगाया DJI का मिनी 2। सो अब जो है आपको रामपुर जो है ना ऊपर से देखने को मिलेगा, तो भाई मजा आने वाला है भाई। सो ये ड्रोन हमारे पास आ चुका है फाइनली, और इसके साथ हमको बहुत सारी चीजें मिली है। तो मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो मंगाया था, तो ये रहा फ्लाई मोर कॉम्बो। सो ये इसका रिमोट है, RC जिसको बोलते हैं, और जो है ये अपना ड्रोन है, एंड ये जो है ये 250 ग्राम का ड्रोन है, तो इतना छोटा सा है। पहले देखो मेरे हाथ पे, बिल्कुल मेरे हाथ की शेप का है, बट जो है खुल के अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका कवर है, एंड जो है इसको खोलने का तरीका भी बहुत अलग है, यूनिक सा। और इसको यहाँ से ऐसे। ऑलराइट गाइस, अब ये जो है उड़ेगा, एंड जो है ये 4K ड्रोन है, तो मतलब ये 4K की शूट फुटेज जो है वो मतलब कैप्चर करता है, सो विच इज़ रियली गुड। एंड जो है पर इंडिया में ज़्यादा ऊंचा तक हम नहीं उड़ा सकते, मतलब इसे 15 मीटर्स जाएगा, बट ठीक है यार इतना जाए सही है, एरियल शॉट्स हमारे पास आएंगे। ये इसका रिमोट है पूरा इसके अंदर, और बढ़िया ग्रिप व्रिप सब सही है। तो बस यहाँ पे ऐसे करके जो है फोन यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी जो है इसकी बैटरीज मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई थी, तो वो अभी अनबॉक्सिंग के लिए मैं आपके पास ले आया हूँ। तो ये रही इसकी बैटरीज, तो इसमें मैंने कॉम्बो मंगाया तो मुझे 3 बैटरीज मिली है। गाइस से पहले जो वीडियो में आप शोर सुन रहे थे वो इस चीज़ का था। तो यहाँ पे देखो पूरा काम फैल रखा है। तो यहाँ पे जो है एक कैबिनेट बनवा रही है मम्मी किचन के लिए, तो ये अभी पूरा कटिंग वटिंग चल रही थी, इस मशीन की आवाज़ आ रही थी जो आ रही थी आपके पास। तो हाँ बढ़िया, एंड मस्त धूप हो रखी है, शाम को जो है देखते हैं अगर उड़ पाएगा तो इस आसमान में उड़ाएंगे अपना ड्रोन बढ़िया करके। गाइस एक बार फिर बॉम्बे से रामपुर में ऑर्डर किया गया है DT के थ्रू, और कुछ बहुत सारा सा सामान आया है यहाँ पे, देखते हैं क्या है। खाने का कोल्ड ड्रिंक आई है अंदर, शायद पिज़्ज़ा भी लग रहा है मुझे। सही है बेटा सही है। गाइस ये हमारा एनिवर्सरी का जो है सरप्राइज आज आया है, क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन तो हम पार्टी करने गए थे, तो साहिबा ने भिजवाया नहीं, तो हमारी एनिवर्सरी का सरप्राइज़ आ चुका है। सो भाई साहब अभी तो नाश्ता कर गए हैं, अभी क्या क्या खाएंगे यार ये, चलो कोई नहीं ड्रोन की खुशी में हम ये भी खा लेंगे। भाई मम्मी आ गई स्कूल से, एंड जो है मम्मी को दिखाते हैं अब अपनी उड़न कश्तरी। हाँ भाई अच्छा चलो मुबारक हो, बहुत ये क्या है, ये ड्रोन है, है? हल्का है ये तो। हाँ तो 250 ग्राम का ही तो है। ड्रोन क्या होता है, ये हवा में उड़ के फोटो खींचेगा। गाइस यहाँ पे जो है ड्रोन सेटअप कर रहा हूँ मैं, एंड जो है समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, बस इंस्ट्रक्शन पढ़ पढ़ के कर रहा हूँ। सो ड्रोन को अपन ने खोल लिया है, सारा इसके जो तामझाम है वो निकाल लिया है। अभी ड्रोन में बैटरी लगाने वाला हूँ, ये वाली चार्ज हो गई है, 2 और चार्ज हो रही हैं, करते हैं इसको
अटैच एंड फिर चलते हैं उड़ाने इसको। सो गाइस सारा कुछ सेटअप हो चुका है एंड जो है टेक ऑफ मैं कमरे से ही कर रहा हूँ पहला, क्योंकि ये हल्का सा ही ऊपर जाता है, तो पहला टेक ऑफ का जो उंगली है वो अम्मा से लगवा रहा हूँ, क्योंकि अम्मा छत पे नहीं जा सकती ना। अम्मा इसको टेक ऑफ पे उंगली दबाओ, बस छोड़ दो। फाइनली जो है अपना उड़ चुका है एंड अब मेरे को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, क्योंकि ऊपर जाके ना बस यहीं पे रुक जा। अम्मा मजा आया, फिर से उठाना है? फिर से उठाओ अम्मा, ये फिर से उठा, चलो फिर से उठाते हैं। सो गाइस एक बार फिर अम्मा टेक ऑफ पे बटन दबाने वाली। अम्मा दबाओ टेक ऑफ का बटन, छोड़ दो। आए और गाइस ये देखो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो अब इसको थोड़ा सा इधर करूँ। ओए ओए भाई इसका कंट्रोल कितना सही है। सो अभी आपको इसके सेंसर्स दिखाता हूँ कितने स्ट्रांग है। मतलब मैं हाथ नीचे डालता हूँ तो अपने आप ऊपर चला जाता है, इसको प्रेस करूँ तो अपने आप मतलब ऊपर ही रहता है वैसी का वैसी। तो अभी आपको दिखाता हूँ एक सेकंड को। सबसे पहले इसको करते हैं टेक ऑफ लेते हैं इसका, और भाई पूरा वो वाला सिस्टम है यार एरोप्लेन वाला, भाई टेक ऑफ करवाता है बढ़िया एकदम। सो टेक ऑफ के लिए सिंपली जो है इसको दबा के रखना है। अबे मेरा हाथ नहीं आ रहा लग रहा है, और जो है ये चालू हो गया। सुगाई जी देखो ये चालू हो, सुगाई देखो मैं हाथ नीचे लाऊंगा तो ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जा, तो ऐसे ऊपर जा रहा है। और जो है अगर मैं इस पर नीचे प्रेस करूंगा तो ये नीचे प्रेस भी नहीं होगा। अभी दिखाता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे रखूँ रिमोट को, मम्मी डर रही है कि उसके पास ना आ जाए। तो अगर मैं अपनी ये उंगली इसके नीचे ऐसे करूँ ना प्रेस, देखो हो ही नहीं रहा, इतना स्ट्रांग इसका वो है। अब जो है इसको लैंड करा देते हैं, पर भाई ये देखो कमरे में उड़ रहा है बिल्कुल प्रॉपर। सो गाइस मैं ड्रोन टेस्ट कर रहा था थोड़ा सा, मतलब उसका होवर कर रहा था इधर से उधर हल्का हल्का, बट यार आप एक क्लिप देखो क्या हुआ था। सो गाइस ड्रोन जो है अपना क्रैश हो चुका है, पहले दिन ही क्रैश कर दिया, बताओ ड्रोन को, अगर यार दिमाग खराब हो गया। बट ये जो है आप देखो उसकी हालत क्या हो गई है। मैं घर पे उड़ा रहा था गैलरी में विच इज़ नॉट सेफ, और जो है इसकी टांग लटक के आ गई, बट तुम्हारा भाई इसको जोड़ देगा। तो गाइस मम्मी गुस्सा कर रही है क्योंकि ड्रोन टूट चुका है। मम्मी सही हो जाएगा यार। अरे यार क्या सही हो जाएगा, ड्रोन सही हो, कोई दो चार रुपए की चीज है, तो छोटा बच्चा है क्या यार, ड्रोन तोड़ दिया इसने। अरे यार दीवार से टकरा गया, टूट गया। जब ओपन में था, ओपन में तुझे गैलरी में चलाने की जरूरत क्या है यार, तू ऊपर छत पे चला, ओपन में ड्रोन कोई लोगों के कमरों में घूमता है ऊपर। अरे मैं सीख रहा हूँ अभी यार। अरे सीख रहा हूँ तो क्या बोलते, ये कि तू पागल, मतलब मैं उसके वो देख रहा हूँ यार कि क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस हैं, टूट गया यार, टूट गया, कोई छोटी चीज ले गया था ऊपर, ऊपर थोड़ी ले गया था, यहाँ गैलरी में टकरा गया दीवार से। नहीं टूटा, वैसे टूटा है, मम्मी से पूछ लो टूटा है अभी तो यार, अब चीज है टूट जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। सो भाई सबने डांट लगा दी, फ्री फंड में डांट खा रहा है तुम्हारा भाई, जुड़ चुका है ड्रोन, जुड़ गया है, उसकी सिर्फ डंडी उसकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई थी। चलो फिलहाल हम लोग सारे यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि साहिबा ने सुबह केक भिजवाया था, तो वो केक जो है हम लोग काटने वाले हैं। सो भाई आ गया केक, अब जो है एक हाथ से मैं ब्लॉग बनाऊंगा, सॉरी। तो ये केक जो है वो ड्रोन की खुशी में भी है क्योंकि ड्रोन आया नया, और पीछे अम्मा भी खड़ी है, केला खा रही है, मेरा नुकसान हो गया, केला खा रही थी। सब यहाँ पे हम लोग केक काट रहे हैं, सो एनिवर्सरी का केक, थैंक यू साहिबा, आ जा मुनी। कैसे काट रहे हैं? उस हाथ से पकड़ना। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। छोड़ दो अब, केक तो निकाल लेते, एक तो एवं मेरा हाथ पकड़ लेते ना, छोड़ती नहीं है। म्यूकला
गाइस फाइनली जो है जोड़ लिया था भाई ने, इसका पंखुड़ी निकल आई थी यहाँ वाली तो, बट इट्स वेरी इजी इसको जोड़ना तो हाँ सो बढ़िया अपना जुड़ चुकी है बढ़िया करके। अब इसको रख देते हैं अंदर वरना मैं खेलता रहूंगा और जो है ये टूट फूट ना जाए। ऑलराइट गाइस सो आ गए रूम में बढ़िया, एंड जो है आपने देखा मेरा नया ड्रोन जो कि दिसंबर से पेंडिंग था, मतलब वो मैंने लेके रखा हुआ था बट मेरे पास नहीं पहुंच पाया था। एक्चुअली मैंने इंडिया के बाहर से लिया है तो इंडिया में लाने में थोड़ा सा इशू होता है बट वो आ जाता है। तो मैं अपन ले आए हैं अपना बढ़िया ड्रोन यहाँ पे, तो आपने उसकी फुटेज भी देख ली है बट अभी तो सिर्फ आपने गैलरी वैलरी की थोड़ी बहुत फुटेज देखी है। कल इसको उड़ाएंगे खुले आसमान में और देखेंगे इसका क्या परफॉर्मेंस है। अभी तो मैं सब सीख रहा था कि क्या है इसकी सेटिंग्स वगैरह क्या है ये सब चीज़ें, तो हाँ सो बढ़िया। बट मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने देखा सेंसर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं बट यार साइड सेंसर नहीं है, वो इसके अपर मॉडल में है, इसलिए जो है अपना ड्रोन जो है वो आज क्रैश हो गया। पहले दिन ही मेरे को लगा भाई नुकसान हो गया तगड़ा वाला, बट कोई नहीं, इसके साथ वो स्क्रू ड्राइवर आता है तो उससे मैंने इसको टाइट करके एकदम बढ़िया कर दिया, टेस्ट भी कर दिया तो उड़ रहा है। कल आपको दिखाएंगे आसमान से अपनी कॉलोनी बढ़िया एकदम करके। तो हाँ सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा।